नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसका मकसद है आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना, ताकि आप रह सकें सेहतमंद। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे। हम सब जानते हैं हार्ट हमारी बॉडी का सबसे अहम ऑर्गन है, इसलिए इसकी देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। लेकिन कैसे करें अपनी दिल की देखभाल, आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की लाइफ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं? खाने की चीजों में ग्लूकोज यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और तीसरी चीज होती है फैट। ये तीनों चीजें हमारी डाइट में एक निश्चित क्वांटिटी में रहना चाहिए, अनुपात में रहना चाहिए। अगर ये सही अनुपात में है तो हमारा शरीर सही फंक्शन करेगा। प्रोटीन का इस्तेमाल लगभग 30-40%, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल लगभग 40-50%, और फैट का इस्तेमाल लगभग 8-10%। ये हमारी डाइट का रूप होना चाहिए। लेकिन हमारी इंडियन डाइट में चीज इसके बिल्कुल उल्टी हो जाती है। हमारा फैट का इस्तेमाल हमारे कार्बोहाइड्रेट और हमारे प्रोटीन को के हिसाब से लगभग 30% के करीब चले जाता है, और यही फैट हमारे फिर शरीर में घूमता है और वो डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। और धमनियां, हार्ट की जो धमनियां हैं, हार्ट को जो खून की सप्लाई प्रोवाइड करती हैं, वो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने की वजह से हार्ट की बीमारियां, हार्ट की ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाती हैं, और यही आगे चल के हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनती है। जी डॉक्टर, वो कौन सी वजह या गलतियां कहें जिनसे हमारे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचता है? नियमित तौर पे एक्सरसाइज ना करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल ना करना। शुगर होने के बावजूद भी मैंने अक्सर देखा है लोग अपने शुगर को एक नॉर्मल 200-250 शुगर है और फिर भी ये कहते हैं कि शुगर हमारी ठीक चल रही है। ब्लड प्रेशर 150-160 एंड अबव है, 180-190 तक भी लोगों को लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर तो इतना ही रहता है। तो उदासीन रहना हमारे रिस्क फैक्टर्स के। अपने ही एक्सरसाइज का नियमित तौर पे पालन ना करना, व्यायाम ना करना, तंबाकू का इस्तेमाल नियमित तौर पे करते रहना, ये सब चीजों का जो रवैया है, हमारी जीवन शैली है, उन जीवन शैली का मुख्य कारण है कि आज हम हमारे देश में हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट पॉपुलेशन। जी डॉक्टर, हमारी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ना होता है वो हमारे लिए खतरे की घंटी होता है, तो कोलेस्ट्रॉल हार्ट को कैसे नुकसान पहुंचाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ब्लड के में डिसॉल्व होके सर्कुलेट होता है। अब यही चीज कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाए, वो फिर डिपॉजिट होना शुरू कर हो जाता है कोरोनरी या जो धमनियां हार्ट को सप्लाई करती हैं वहां पे, और उनका एक्सेस डिपॉजिशन अगर होना शुरू हो जाता है तो वो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस करता है और आगे चल के यही हार्ट अटैक का कारण बनता है। डॉक्टर, क्या वजह है कि हमारे देश में हार्ट के पेशेंट्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है? हमारी जीवन शैली। ओके, मैं इसको अगर एक शब्द में कहूं तो ये मुख्यतः हमारी जीवन शैली का नतीजा है। ज्यादातर जो इंडियन पॉपुलेशन है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल ही रहती है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का सीधा मतलब है कि एक्सरसाइज ना करना, अपनी डाइट के प्रति उदासीन रहना। हमारी इंडियन डाइट अगर देखा जाए तो दैट इज अ रिच डाइट, दैट इज अ हाई फैट डाइट, और यही नतीजा है मोटापे का। हमारे मोटापा बढ़ता जाता है, मोटापा भी एक कारण है कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा हो जाने का और हार्ट अटैक के रीजन का। डॉक्टर, वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनसे पहचान हो सके कि हमारा दिल बीमार है और हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है? जो चीजें, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, उन अर्ली सिम्टम्स में छाती में दर्द या भारीपन आना, ये दर्द बाएं कंधे तक जाना, बैक में रेडिएट करना,
चलने फिरने में सांस फूल जाना, एक्सेसिव फटीग महसूस करना, जो काम पहले किया जा सकता हो वो सडनली मरीज को लगता है कि ये काम अब मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये काम अब नहीं कर पा रहा हूँ, ये सडन चेंज अगर महसूस करते हैं अगर बॉडी में, तो फिर वो एक टाइम है जबकि आपको अपने हार्ट को चेक कराना चाहिए, अपने हार्ट को मॉनिटर करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर, वर्ल्ड हार्ट डे पे आप क्या सलाह देंगे, क्या हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एनुअल चेकअप्स करवाने बहुत जरूरी है? मैं वर्ल्ड हार्ट डे पे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप तीन चीजों का बहुत ध्यान रखें। नंबर एक, नियमित तौर पे अपनी एक्सरसाइजेस करें। नंबर दो, रिस्क फैक्टर्स पे उदासीन ना रहें, रिस्क फैक्टर्स को समझें। शुगर के मरीजों को अपनी शुगर को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ब्लड प्रेशर के मरीजों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करने की जरूरत है, सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बिल्कुल इसको बंद कर दें, और तंबाकू का इस्तेमाल एक रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल में करें। ओबेसिटी जो मोटापा है या मोटे होने की जो टेंडेंसी है वो खाने पीने की चीज़ों से रहती है और एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती है, तो वजन कम करना बहुत आवश्यक है जी। तो मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि वजन कम करने की कोशिश की जाए, जो डाइट पे खास तौर पे ध्यान रखा जाए। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए, ताकि हम अपने दिल का ख्याल अच्छे से रख सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि अगर दिल को हेल्दी रखना है तो स्ट्रेस फ्री रहें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए।